नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही YouTube चैनल पे स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यतीत नहीं करके जानेंगे बहुत सारी बातें जिससे आपका ढेर सारा प्रॉफिट जरूर बनेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, इससे आपका ढेर सारा प्रॉफिट बन सकता है। और दोस्तों, यार शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए समय के साथ अभी आगे बढ़ते हैं और अपना जो मेन मुद्दे है या फिर मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर बातें करेंगे। तो दोस्तों, हम जानना चाहते हैं मार्केट में क्या होने वाला है नवंबर में, जैसे कि मैंने कई बार कहा है। तो दोस्तों, आपके सामने वो बातें रखने वाला हूँ। देखिए, मेरे को एक मैसेज आया कि सर आप नवंबर के बारे में बोल रहे हैं मगर नवंबर में होने क्या वाला है इसके बारे में बताइए जरूर। तो दोस्तों, वही बात आपके सामने रखूंगा, नवंबर में क्या होने वाला, किस तरह से बातें आपके सामने आने वाली, जिसके कारण आपके सामने जो मार्केट की स्थिति होगी किस तरह से होगी और कितनी भयानक हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मार्केट की शुरुआत होती है स्टॉक स्प्लिट और इलेक्शन और वोलेटिलिटी। देखिए, मार्केट में बहुत संख्या ऐसे शेयर है जो कि स्प्लिट हो रहे हैं, अपने एक शेयर के बदले दो शेयर या तीन शेयर या फिर जो मतलब है उसमें क्वांटिटी में अपने शेयर स्प्लिट करा रहे हैं। ये मतलब जो अपनी लिक्विडिटी ऑफ जो फंड कहा जाता है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि उनके शेयर बढ़ रहे हैं तो अपने आप उनकी क्या बढ़ने वाली है, वेल्थ भी बढ़ने वाली है, अपना पैसा भी उनके पास आने वाला है। तो ये बात तो हमको मालूम है, मगर दोस्तों ओवर लिक्विडिटी कमिंग इन्फ्लेशन। देखिए, ओवर लिक्विडिटी अगर मार्केट में हो जाती है ना तो क्या होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है, उस शेयर का जो लेवल है उस स्तर है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसा आपको आने वाले दिनों में दिखने वाला है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स में आपको क्या दिख रहा है, स्टॉक स्प्लिट दिख रहा है। दोस्तों, शेयर्स के नाम तो नहीं लूंगा मगर आपको बताना चाहूंगा कि जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसका ऑन एवरेज प्राइस निकाला जाता है, उसके बाद उसको फेस वैल्यू एक लेवल पे उसको क्या किया जाता है, एक डिसाइड फेस वैल्यू की जाती है, उसके बाद उसको एक रेशो में बांट दिया जाता है कि इतने शेयर के इतने शेयर आपको मिलेगा, और अगर आप इतने होल्ड कर रहे हैं तो इस शेयर के बदले आपको इतने शेयर मिलेंगे। मतलब प्राइस वैल्यूएशन घटा के उसको कई भागों में बांटा जाता है, तब उसको स्टॉक स्प्लिट कहा जाता है। आपने 1000 ही इन्वेस्ट किया है मगर 1000 का एक ही मिलता था तो अभी आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। मतलब 250 रुपए का उसका एक प्राइस वैल्यूएशन कर दिया, उसको कहते हैं प्राइस शेयर को स्प्लिट करना। तो ये शेयर स्प्लिट हो रहे तो दोस्तों एक अच्छी बात है, स्प्लिट होना मार्केट में लिक्विडिटी आती है, मगर ओवर स्प्लिट होना मतलब दोस्तों एक अच्छी बात नहीं है, जिसका एक बैड सिग्नल मार्केट में आ रहा है। रही बात, अभी हम बात करेंगे इलेक्शन की। देखिए दोस्तों, नवंबर में इलेक्शन है, कहाँ का, अमेरिका का, बराबर पकड़े दोस्तों, अमेरिका में इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर से लड़ने की कोशिश करेंगे, मगर दोस्तों वो क्या रहा है, वहां पे बहुत सारी बातें हैं जो कि ट्रंप के अगेंस्ट जा रही है, जो बहुत सारी उनको नीतियां बनाए उनके अगेंस्ट जा रही है, जिसके कारण आने वाले नवंबर में बहुत सारी, अगर ट्रंप हार जाते हैं तो बहुत सारी वोलेटिलिटी बन सकती है। वोलेटिलिटी इस तरह से बन सकती है कि पूरा मार्केट एक नेगेटिव छावनी में बदल सकता है, एक पूरा नेगेटिव जोन क्रिएट हो सकता है, एक रेड ब्लड बात शुरू हो सकता है। तो वॉर होने की भी बात ही छोड़ी, यहाँ पे अगर ये चीज होती है तो ये जरूर होगा, मगर दोस्तों उसके पहले मार्केट इतना दौड़ क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन देखिए दोस्तों। वेरी वेल नो अबाउट द मार्केट, एवरीवन मार्केट में सबको पता है कि मार्केट क्यों दौड़ रहा है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मगर दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि इसको नवंबर के पहले, इलेक्शन के पहले जो बड़ा इवेंट आ रहा है दुनिया में, सबसे बड़ा इवेंट अमेरिकन इलेक्शन कहा जाता है, वो बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके पहले मुझे दौड़ लगानी है। और मार्केट खुद कह रहा है कि मेरे को 50% का एक करेक्शन चाहिए, क्योंकि मैंने 90-84% की रैली लगा चुका हूँ। और बात करके हमारे निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, लगभग ये शेयर अपने 150 डेज मूविंग एवरेज पे काम काज कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए, 11,385 का उसको एक लेवल है जो मेजर सपोर्ट है, जो कि आज दोस्तों उसने 11,366 का एक बेस जो लो लगाया, उसके बाद पूरा मार्केट रिकवर हुआ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मार्केट आज तेजी में खुला था, तेजी में खुलने के बाद भी मार्केट नेगेटिव हो गया था, फिर मार्केट पॉजिटिव हो गया। देखिए, ये हाई वोलेटिलिटी बन गई है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, वोलेटिलिटी। देखिए, मार्केट अपने आप वोलेटिलिटी में आ कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपका प्रॉफिट दिख रहा है आपको मगर अचानक से गायब हो रहा है, या फिर नहीं दिख रहा वो प्रॉफिट अचानक से बन रहा है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मुझे ट्रेड कैसे करना है, मुझे क्या करना है, ये सब बातों के लिए। तो दोस्तों, डरना नहीं है मार्केट में, जब तक आप अक्टूबर तक
ट्रेड कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपका इन्वेस्टमेंट हर जगह ठीक है। अगर पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगा रहे हो दोस्तों तो वेरीफाई कीजिए उस शेयर के बारे में, फंडामेंटल चेक कीजिए, टेक्निकल चेक कीजिए, उसके डेट्स चेक कीजिए, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिए, हर चीज चेक करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों मार्केट में अभी एक ट्रैप बनाया गया है कि मार्केट तो दौड़ रहा है मगर कुछ पर्टिकुलर शेयर है जो कि दौड़ने का नाम नहीं ले रहे, मगर उसके लिए आप ये सोच रहे हो ये दौड़ नहीं रहा तो मतलब इसमें बड़ी रैली आ सकती है, मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहीं से वो शेयर नीचे गिरना शुरू होना जाए, ऐसी कई बातें हो सकती है आपके साथ। दोस्तों पूरा वेरीफाई करने के बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर्टिकुलर शेयर हो या फिर आप निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पूरा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे हमारे जो निफ्टी 50 में जो बातें हुई दोस्तों, जो कि बहुत एक सरसर मुझे लगता है कि ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए 2020 जब शुरू हुआ तो दोस्तों जब मार्केट में तेजी का दौर हमें दिसंबर के महीने में खत्म होता हुआ दिखा, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें हमें हलचल से मचते हुए दिखी, इसमें वोलेटिलिटी जो थी वो थम चुकी थी, जो हाई जो तेजी का दौर था वो थम चुका था। मगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, FIs वाले ने क्या किया था, जो फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो निकलना शुरू कर दिया था। जैसे कि दोस्तों उन्होंने जनवरी में 5400 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था। देखिए 5400 इन्वेस्टमेंट उन्होंने निकाल लिया था, वैसे ही फरवरी में भी निकाल लिया 12700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। फिर मार्च में देखिए दोस्तों एक तो रिकॉर्ड तोड़िए विड्रॉल हो सकता है, 65800 करोड़ का विड्रॉल उन्होंने किया था जो कि बहुत ही बड़ा, ये मंथ वाइज में 2020 का बता रहा हूँ। और अप्रैल में देखिए जो कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने 65800 करोड़ निकाले थे, उसके बाद उसने 5200 करोड़ का फिर से विड्रॉल किया। मगर दोस्तों मार्केट थोड़ा रिकवर करते हुए दिख रहा था उनको, तो इन्होंने FIs वाले को मालूम था कि अगर हम इंडियन मार्केट रिकवर करता है तो बड़ी तेजी से रिकवर करता है, उसके वजह से उन्होंने क्या किया 30900 करोड़ का फिर से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ला दिया और मार्केट को बूस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे हर चीज को समझते हुए आपको ट्रेड करना सीखिए। देखिए बड़े इन्वेस्टर होता है हर एक पहलू को समझता है, हर एक सेक्टर को समझता है और उसके बदौलत ही अपना प्रॉफिट बनाना शुरू करता है। तो 13900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया मई में, फिर जून में 5500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया और जुलाई में दोस्तों 2500 करोड़ का उसने इन्वेस्टमेंट लाया, 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया। देखिए दोस्तों इन्होंने इन्वेस्टमेंट लाया मगर कैसे लाया, 13000 लाया मार्केट रिकवर हो गया, फिर 5500 लाया, देखिए उसने हाफ करते गया खुद को, 13900 था फिर 5500 कर दिया फिर 2500 कर दिया, तो ये आपको हाफ करते हुए दिख रहा है यहाँ पे उसकी अमाउंट को। यहाँ पे आप क्लियरली सिग्नल ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में एक बड़े रुझान की अभी रिक्वायरमेंट है, मतलब एक बड़ा रुझान कौन सा आने वाला दोस्तों, डाउन साइड आने वाला है, जो कि आपको समय ही नहीं देगा बाहर गिरने का। आपको उस समय 200, 300, 400 की जिस तरह से रैलियां देखी है आपने, उसी तरह से बड़ी बड़ी रैली आपको डाउन साइड दिखेगी। दोस्तों पैसे कमाने का एक ही जरिया हो सकता है आपको, वहां पे जाके आपको क्या खरीदी करना पड़ेगा, पुट खरीदनी पड़ेगा। नवंबर मंथ है दोस्तों, ध्यान रखिए हर चीज खत्म होने वाली है, शायद दिवाली भी खत्म होने के बाद ये चीजें शुरू हो सकती है, तब तक आपको थोड़ा सा अक्टूबर महीने तक हर चीज को संभालते हुए रखना है, आपको सही से ट्रेड करना है, सही से इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों इतनी बड़ी अगर चीजें होती है तो आपको समझना है मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है। मैं हमेशा यही बात कहूंगा क्योंकि दोस्तों अगर ट्रेड करना है तो सोच समझ के ट्रेड करना है और आपको प्रॉफिट जरूर बनेगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी थी, इसका मतलब ये है कि यही इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है 100%। तो जाइए आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए किस तरह से मार्केट में रुझान दिख रहे, सिग्नल दिख रहे, सिनेरियो बन रहे, उसको पूरा एनालाइज करने के बाद आप खुद एक्सपर्टाइजेशन एक डिसीजन ले सकते हैं। मगर मार्केट में डिसीजन लेना बहुत जरूरी, जो कि आप जल्दी से जल्दी लेना सीख जाएंगे, मैं यही आशा करूंगा आपके लिए। तो दोस्तों आपने ये सब बातें जानी, मगर दोस्तों अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ डीमैट अकाउंट, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, जाइए वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। और जिस दोस्तों ये आप स्टॉक्स का ये लिंक दिया हुआ है जिसपे आप ढेर सारा प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई दोस्तों वो क्या है, ब्रोकर है, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है, जिससे आपका ढेर सारा जो ब्रोकरेज जाता है वो बच जाएगा। डिस्काउंट ब्रोकर होने के नाते ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे और आपका कम से कम ब्रोकरेज लेने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपका प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए।